नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज राहुल गांधी ने सब्जी विक्रेता रामेश्वर और उनके परिवार के साथ एक वीडियो साझा किया है। राहुल ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि रामेश्वर जी उस भारत की आवाज़ हैं जिसकी पीड़ा, मुद्दे और चुनौतियाँ आज मुख्यधारा की बहस से दूर हैं। उस भारत की आवाज़ सुनना और संघर्षों का मुकाबला करने में साथ निभाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। वहीं राहुल गांधी वीडियो में रामेश्वर को कहते हैं कि आप मुझे सरमुत बुलाइए, राहुल बोलिए। इसके बाद रामेश्वर कहते हैं कि सरकार ही ऐसी है कि सुनती नहीं है, तो मैंने आपको अपनी गुहार बताई। उन्होंने कहा कि जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है और अमीर आबाद होता जा रहा है। इस दौरान राहुल गांधी अपने हाथों से रामेश्वर और उनके परिवार के लिए खाना लगा रहे होते हैं। इसके बाद रामेश्वर बताते हैं कि उनकी पत्नी का व्रत है, तो राहुल गांधी कहते हैं कि फल लेकर आते हैं। इसके बाद रामेश्वर कहते हैं कि उनकी जीने की उम्मीद खत्म हो गई थी, लेकिन अब है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता ने फिर सक्रिय होने का ऐलान कर दिया है। अक्टूबर 1995 में बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य में सरकार चला चुके मेहता अब राज्य में जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि देश उस स्थिति में आ गया है जहां हर न्यायप्रिय, संवेदनशील, जागरूक नागरिक कह रहा है अब तो बहुत हो गया, देश बदलाव चाहता है, गुजरात बदलाव चाहता है, लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही नहीं चलनी चाहिए और विकास के नाम पर विनाश हो तो चुप नहीं रहना चाहिए। मेहता ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, लेकिन जनता को परिवर्तन के लिए जागरूक करेंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला पहले से ही बीजेपी सरकार की आलोचना करते आए हैं, अब इस सूची में सुरेश मेहता का नाम जुड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता ने कहा कि हम गुजरात के नागरिक एक बार फिर गुजरात को स्वस्थ, सुरक्षित और समान रूप से समृद्ध राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। मेहता ने कहा कि आज का गुजरात जन्म से मृत्यु तक दुर्दशा का सामना कर रहा है। मेहता ने कहा कि गुजरात का भविष्य कुपोषित और कमजोर है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण के मामले में गुजरात देश में दूसरे स्थान पर। जिस तरह प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिर रहा है और सरकारी स्कूल पर्याप्त कमरों के बिना बंद हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार शिक्षा का निजीकरण करके शिक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं रखना चाहती है। उन्होंने कहा, एक तरफ छात्र महंगी शिक्षा प्राप्त करके डिग्री हासिल करते हैं और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के कारण फर्जी डिग्री घोटाला चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता मल्लिका साराभाई ने इस पहल का समर्थन करते हुए दावा किया कि अपने चारों ओर दुख और कठिनाइयों को देखने के बावजूद गुजरात के मतदाता या तो डरे हुए हैं या बदलाव लाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हाल ही में अमेरिका में थी तो लोगों ने मुझसे पूछा कि गुजरात गहरी नींद में क्यों है, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। असम भाजपा के एक प्रमुख सदस्य, 4 बार के पूर्व सांसद राजेन गोहे ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर कटाक्ष करते हुए शुक्रवार को कैबिनेट स्तर के असम खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री गोहेन का असम की राजनीति में एक महत्वपूर्ण इतिहास है। उन्होंने 1999 से मध्य असम के नौगांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए काम किया था और 2019 में पार्टी के टिकट से इनकार करने से पहले 2014 तक लगातार 4 बार जीत हासिल की थी। सूत्रों ने बताया कि उनका यह फैसला हाल ही में नए और पुराने बीजेपी सदस्यों के बीच हुई झड़प से जुड़ा है। राजेन गोहेन ने कहा कि वो 2 दशकों से अधिक समय से पार्टी यानी बीजेपी और उसकी विचारधारा के अच्छे वकील रहे हैं और हमेशा पूरी क्षमता से उसका समर्थन और पोषण किया है। उन्होंने कहा कि हालिया परिसीमन प्रक्रिया ने 10 नौगांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को भविष्य में भाजपा उम्मीदवारों के लिए अजेय बना दिया है। साथ ही जनसांख्यिकी परिवर्तन के कारण नागांव के लोगों को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी इस चिंता से अवगत कराया और बैठक के दौरान शाह ने उनसे इस मामले पर लिखित में सिफारिशें देने को कहा। गोहे ने दावा किया, हालांकि उन्होंने अगले ही दिन लिखित में सिफारिशें दे दी थी, लेकिन इसका कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। असम से बीजेपी नेता और 4 बार के पूर्व सांसद राजेन गोहे ने कहा कि मैं ठगा हुआ और लगभग अपमानित महसूस कर रहा हूं कि मेरे जैसे वरिष्ठ सदस्य की पार्टी के अपने लाभ के लिए वास्तविक चिंता वाले अपने ही हिस्से के नेताओं ने नहीं सुनी। उनके पत्र में आगे लिखा गया है, मैं 25 सालों से अधिक समय से पार्टी का एक बहुत ही आज्ञाकारी सिपाही रहा हूं और लगातार 4 बार सांसद के रूप में नागांव लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, जो कि 20 वर्षों की अवधि है और मुझे लगता है इस मामले पर मेरे अनुभव को महत्व दिया जाना चाहिए और मेरे लोगों की सुरक्षा और पहचान के लिए मेरी चिंताओं को सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, नागांव के लोग इस फैसले से व्यथित और निराश हैं। मुझे डर है कि हम सामान्य रूप से कारोबार नहीं कर पाएंगे,
किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मैंने निष्कर्ष निकाला है कि इन परिस्थितियों में मेरे लिए पद पर बने रहना सही नहीं होगा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पार्टी की जिम्मेदारी अजय राय को दी है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के बाद अजय राय ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर प्रतिक्रिया दी। अजय राय से पूछा गया कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इसका जवाब देते हुए अजय राय ने कहा, बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी के लोग यहाँ खड़े हैं। इसके बाद अजय राय से पूछा गया कि क्या प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ेंगी। अजय राय ने सवाल पर जवाब दिया कि प्रियंका गांधी जी की बनारस से अगर इच्छा होगी तो हमारा एक एक कार्यकर्ता जान लगा देगा। बता दें, स्मृति ईरानी अमेठी से लोकसभा सांसद हैं। 2019 के चुनावों में स्मृति ने राहुल गांधी को इस सीट पर हराया था। तब राहुल गांधी वायनाड सीट से भी चुनाव लड़े थे और वहां से जीतकर वो लोकसभा पहुंचे थे। स्मृति ईरानी पर अजय राय बोले, स्मृति 13 रुपये किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई क्या? यहाँ अमेठी के लोग आए हैं, जनता को जवाब दें कि चीनी कहाँ गई। बीजेपी ने एमपी में 39 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पहली ही लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को झटका लगा है। उनके साथ कांग्रेस से आए एक समर्थक का टिकट कट गया है। गोहद विधानसभा सीट से सिंधिया समर्थक रणबीर जाटव को टिकट नहीं मिला है। उनकी जगह पर बीजेपी ने लाल सिंह आर्य को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लाल सिंह आर्य गोहद से 3 बार विधायक रह चुके हैं और शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया समर्थक रणबीर जाटव ने लाल सिंह आर्य को हराया था। बाद में रणबीर जाटव ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गए थे। इसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। लाल सिंह आर्य को साइड कर बीजेपी ने गोहद से रणबीर जाटव को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया था। रणबीर जाटव कांग्रेस के मेवाराम जाटव से बुरी तरह हार गए। लाल सिंह आर्य को बीजेपी ने अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद से ये संभावना जताई जा रही थी कि बीजेपी लाल सिंह आर्य को भिंड लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारेगी। इस बार बीजेपी ने सिंधिया समर्थक रणबीर जाटव का पत्ता काट दिया है। बीजेपी ने लाल सिंह आर्य को गोहद विधानसभा का टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया। अभी तक संभावना लग रही थी कि रणबीर जाटव को एक बार फिर से सिंधिया टिकट दिलवाने में सफल हो सकते हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच नजर आ रहे मतभेदों का सिलसिला जारी है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने शुक्रवार को यह बहस आगे बढ़ाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए तैयारी करेगी। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी नासमझ है तो क्या करें, उसे हिंदी समझ नहीं आती है तो क्या करें। हमने ये नहीं कहा कि हम 7 सीटों पर लड़ेंगे, हमने कहा कि हम 7 सीटों पर तैयारी करेंगे। फिर गठबंधन होता है या नहीं होता है तो उस हिसाब से तय करेंगे कि कौन सीट पर कौन लड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर घटिया स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस दल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा रुख यह है कि हम इस पार्टी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। उनकी राजनीति बहुत गलत और घटिया है, उसमें भ्रष्टाचार है, शिष्टाचार कहीं नहीं है, झूठ बोलने की आदत है, राष्ट्रवाद को गलत ढंग से इस्तेमाल करने की आदत है। आम आदमी पार्टी की राजनीतिक शुरुआत ही 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के खिलाफ लड़कर हुई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान खुद को दिल्ली का बेटा करार दिया। उन्होंने कहा, मोदी जी दिल्ली वालों को हराना चाहते हैं, मोदी जी दिल्ली वालों के बेटे को हराना चाहते हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि ना दिल्ली वाले हारेंगे, ना दिल्ली वालों का बेटा हारेगा, डटकर मुकाबला करेंगे। केजरीवाल बोले, मैं आज दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि आपका एक भी काम मैं रुकने नहीं दूंगा। स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, सुप्रीम कोर्ट से हम जीत कर आएंगे। दिल्ली के लोगों का हक मैं वापस दिलाऊंगा और उसके बाद 100 की बजाय 200 और 300 की स्पीड से काम होगा, लेकिन तब तक काम रुकेंगे नहीं आपके। हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने एक जवाब में कहा कि नूह जिले में विध्वंस अभियान से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 354 थी, जिनमें से 71 हिंदू और 283 मुस्लिम थे। बता दें, जिले में 31 जुलाई के सांप्रदायिक हिंसा के बाद कथित अवैध विध्वंस के अभियान के खिलाफ स्वतः संज्ञान जनित याचिका के जवाब में नूह का उपायुक्त धीरेन्द्र ने ये जवाब दायर किया था। राज ने कहा कि 2011 की जनगणना से साफ पता चलता है कि नूह एक मुस्लिम बहुल जिला है। राज्य के जवाब में ये भी बताया गया कि नूह की पुनाहाना तहसील में मुस्लिमों की आबादी 87% और फिरोजपुर झिरका में 85% है। सरकार ने न्यायमूर्ति रविशंकर झा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की पीठ के समक्ष ये दलील दी।
विध्वंस अभियान पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत में पूछा था कि क्या कानून और व्यवस्था की समस्या की आड़ में एक विशेष समुदाय की संपत्तियों को निशाना बनाया गया था और क्या जातीय सफाया का अभ्यास किया जा रहा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट पर टिप्पणी करने को लेकर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित माली पर कोटा के कांग्रेस नेता कुंदन यादव ने मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने कोटा सिटी के एसपी से मिलकर अमित मालवीय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य कुंदन यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश के लिए जीवन समर्पित करने वाले, जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करने वाले महान शख्सियत, देश के गौरव स्वर्गीय राजेश पायलट साहब के खिलाफ बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने गलत बयानबाजी की। देश व समाज की महान शख्सियत के साथ साथ अमित मालवीय ने भारतीय सेना का भी अपमान किया, जो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। बता दें, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा था कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजवाल पर बम गिराए। हालांकि सचिन पायलट ने इसको झूठ बताया और सच्चाई बताकर उनको करारा जवाब दिया था, जिसके बाद से सचिन पायलट के समर्थन में अशोक गहलोत भी उतर आए हैं। बिहार के अररिया जिले में शुक्रवार तड़के अज्ञात लोगों ने एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रानीगंज बाजार इलाके की है। एक हिंदी दैनिक के लिए काम करने वाले विमल कुमार यादव की प्रेमनगर गांव में उनके आवास पर ही गोली चलाई गई। बिहार पुलिस ने ट्वीट कर कहा है कि हमलावरों ने सुबह करीब 5:30 बजे यादव के घर का गेट खटखटाया और जैसे ही उन्होंने गेट खोला उन पर गोलियां चला दी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अररिया के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जाँच चल रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार 2 साल पहले पीड़िता के भाई जो सरपंच थे उनकी भी इस तरह ही हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विपल कुमार यादव मुख्य गवाह थे और संदेह है कि उनकी हत्या भी उसी से जुड़ी हो सकती है। यादव ने कथित धमकियों के बावजूद अदालत में चल रहे मुकदमे के दौरान अपने भाई के हत्यारे के खिलाफ गवाही दी थी। पत्रकार की हत्या पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे दुखद घटना बताया है और कहा है कि खबर सुनते ही उन्होंने तुरंत अधिकारियों को अपराध की जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पटना में संवाददाताओं से कहा, किसी पत्रकार को इस तरह कैसे मारा जा सकता है। सीएम ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों को सजा दी जाएगी। हालांकि विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला और दावा किया कि इस घटना से पता चलता है कि बिहार में लोकतंत्र खतरे में है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि बिहार में पत्रकारों और यहां तक कि पुलिस कर्मियों सहित निर्दोष नागरिकों की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा, अररिया में जो हुआ वो वास्तव में दुखद है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के नेतृत्व वाले घमंडिया महागठबंधन के राज्य में सरकार बनने के बाद से ही ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार सुबह राज्य के नागा बाहुल्य उखरूल जिले के एक गांव में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार वारदात को सुबह करीब 4:30 बजे अंजाम दिया गया। अज्ञात लोगों के एक समूह ने गांव की रखवाली कर रहे 3 लोगों की हत्या कर दी। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच अब उखरूल जिले के कुकी थोबाई गांव पर हुई भारी गोलीबारी में 3 युवक मारे गए। इसके बाद कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मणिपुर हिंसा में एक बार फिर से 3 लोगों की जान चली गई। अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मणिपुर बीते कई महीनों से जल रहा है। लोग डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। पीएम मोदी, आप हिंसा रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? 4 घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। लालू प्रसाद यादव की जमानत को रद्द करने की याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी। सीबीआई ने लालू यादव की जमानत को रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। अब इस मामले में 25 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। शिमला में एक शिव मंदिर के मलबे से एक और शव निकाला गया। गुरुवार को चंबा जिले में 2 और लोगों की मौत हो गई। इन मौतों के साथ ही बारिश से प्रभावित हिमाचल प्रदेश में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 74 हो गई है। इनमें से 21 मौतें शिमला में 3 बड़े भूस्खलनों समर हिल में शिव मंदिर में और फागली में कृष्णनगर में हुई हैं। मंदिर के मलबे में अभी भी 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। शिमला मंदिर में हुए भूस्खलन में 7 लोगों का एक परिवार तबाह हो गया। हिमाचल में विनाशकारी बारिश ने न केवल बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है, बल्कि पूरे परिवारों को भी उजाड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगे नुकसान होने से रोकने के लिए पूरे उपाय किए जा रहे हैं।
एलोन मस्क ने शुक्रवार को भारतीय अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी की तारीफ करते हुए उनकी उम्मीदवारी को आशाजनक बताया। ट्विटर के मालिक मस्क ने रिपब्लिकन नेता द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। मस्क ने साक्षात्कार को दोबारा पोस्ट किया, जिसमें 37 वर्षीय को अमेरिका में सबसे कम उम्र के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बताया गया था। इसके साथ ही मस्क ने लिखा, वो एक बहुत ही आशाजनक उम्मीदवार हैं। बता दें, विवेक रामास्वामी ने हार्वर्ड और येल विश्वविद्यालयों से स्नातक किया है और उनका जन्म भारतीय माता पिता के घर में हुआ था, जो केरल से अमेरिका चले गए थे। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।